नमस्कार दोस्तों, सभी चैनल दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं चंद्र प्रकाश आज अपडेट लेके आया हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। जैसे कि आपके तमाम सूत्रों से ये जानकारी आपको हासिल हो चुकी है कि जो आपके डेटशीट्स हैं वो जारी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और कुछ सब्जेक्ट्स के अभी डेटशीट पेंडिंग बनी है। और एग्ज़ाम्स का मोड अगर हम बात करें तो आपको क्लियर कट पता लग चुका है, एग्ज़ाम का मोड ऑफलाइन रहने वाला है। अब बात इस वीडियो में आप क्या नई बात करने वाला हूँ, देखो प्यारे बच्चों, वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप तक पूरी बात पहुँचाई जा सके। आज यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंदर कोई ऐसी बातचीत नहीं हो पाई, हालांकि लगातार कोशिश बनी हुई थी मेरी भी, और कमेंट सेक्शंस में भी आप जाकर देख सकते हैं, लगातार बच्चे भी संपर्क में जुड़े हुए हैं और वो यही चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन करा दिए जाए। कोविड के केसेस की भी बढ़ोतरी की बात बताई जा रही है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। आप किसी भी भ्रम में मत रहें कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं किसी तरीके से ऑनलाइन में टल सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं लगातार आपको इसी बात से चैनल से ही कह के वीडियोज़ बना रहा हूँ। सुबह भी आपने मेरी मॉर्निंग अपडेट देखी थी, इसी बात को लेके थी कि हमारे पेपर किस मोड से होने। प्यारे बच्चों, बहुत ही कम समय रह गए, ज़्यादा वक्त जाए ना करते हुए अपनी जो तैयारी है वो ऑफलाइन मोड के हिसाब से करें। तैयारी का मतलब जो सिलेबस कराया हुआ है उसको करें, पेपर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक फर्क जो ज़रूर है वो है कि घर पे बैठ के ईजी वे से पेपर देना और एक सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देने में फ़र्क है, यही फ़र्क है। एग्ज़ाम तो घर पे बैठ के भी आपने आराम से ईमानदारी से करना है, क्योंकि कैमरेज लगे होते हैं तो आपकी मूवमेंट्स वगैरह भी रिकॉर्ड हो जाती है। और जैसा कि आपको अवगत है कि यूएमसी भी बहुत ज़्यादा बनी थी पिछली बार मूवमेंट्स के कारण, और इस कारण से मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी रखें और आराम से तैयारी करें, आपके पेपर बढ़िया होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। एज कम्पेयर टू ऑनलाइन अगर हम बात करें, यू विल गेट मोर मार्क्स सॉरी इन ऑफलाइन एग्ज़ाम। पेपर में आपको पूरा टाइम मिलेगा, अपना तैयार करें। सिलेबस की बात से मैं खुद चिंतित हूँ, सिलेबस की बात तो मैं आपसे सहमत हूँ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और कोशिश करने के बाद भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी है, लेकिन क्या निर्णय लेती है वो तो नोटिफिकेशन आने के पर ही बात कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल का दिन आपका मंगलमय हो। शुक्रिया।